कलेक्टर ने वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए कैंप का आयोजन किया। कैंप में कलेक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रखने वालों को नियुक्ति पत्र दिए। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर ने इस कैंप का आयोजन कराया था। कलेक्टर ने लंबे वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। वहीं अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिलने पर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की और तहे दिल से जिला कलेक्टर संदीप जी आर का धन्यवाद किया। आज प्रदेश में नवाचारों की श्रृंखला में कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की हमारे द्वारा पहले गणना करवाई गई। एससी वर्ग में 4 पद खाली थे जिले में। एसटी में निरंक था, ओबीसी में भी निरंक था, लेकिन सामान्य वर्ग में 68 पद थे जिसके विरुद्ध किसी की भी नियुक्ति की जा सकती है। अतः चूँकि जिले में तृतीय वर्ग श्रेणी के संवर्गवार पदों की खाली संख्या इस समय निरंक है, तो ऐसे लोग जिनकी आयु सीमा पूरी हो रही है, 7 वर्ष हो गया है पिता या माता की डेथ हुए हो, ऐसे लोग अगर अपने से एक श्रेणी नीचे यानी भृत्य के पद के लिए पात्र होने पर संस्तुति देते हैं, तो ऐसे लोगों की नियुक्ति हेतु आज ये शिविर रखा गया था जिसमें अभी तक 10 लोगों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। हम करीब 2019 से भटक रहे थे और राजस्व विभाग में भृत्य के पद पर नियुक्ति हुई। हाँ, शिविर लगा के कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए, बहुत बहुत अपार खुशी हुई सर। हाँ, मतलब भटके भटकाए और हम पार लग गए। करीब 2019 से भटक रहे थे हम लोग। कलेक्टर साहब का लाख लाख कोटि कोटि बधाई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।